केजरीवाल की खुली पोल, आरटीआई में खुलासा, जनता के पैसे की बर्बादी, हर दिन 16 लाख किए खर्च, 91 दिनों में 15 करोड़ का खर्चा, विज्ञापन पर केजरीवाल का अंधा खर्च, जनता की सरकार खुद को बताने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से जनता का पैसा पानी की तरह खर्च करती है ये सामने आ गया है। खर्चा ऐसा बेहिसाब कि उस पैसे से दिल्ली के विकास के कितने काम हो जाते। अरविंद केजरीवाल अपने नाम को छापने और अपनी पार्टी के प्रचार के पीछे इस कदर अंधे हो गए हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 91 दिनों के अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए कुल 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, आरटीआई में केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु के उन पब्लिकेशन हाउस की लिस्ट भी शामिल की गई है जिन्हें विज्ञापन के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार से पैसे मिले थे। एडवोकेट अमन पवार की तरफ से दाखिल आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने फरवरी 10 से मई 11 के बीच विज्ञापन पर कुल 14.56 करोड़ रुपए का व्यय किया है। विज्ञापन पर किए गए इस खर्चे की वजह से आप सरकार अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। सवाल उठाना जायज है कि एक तरफ तो सफाई कर्मियों को वेतन देने में केजरीवाल आनाकानी करते हैं और बजट ना होने का रोना रोते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विज्ञापन पर करोड़ों स्वाहा कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दोहरी मानसिकता तो दिखती ही है, साथ ही स्वार्थी राजनीति भी दिखती है जिसमें जनता के हित से पहले केजरीवाल को अपना और पार्टी का स्वार्थ दिख रहा है।